कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर मची किल्लत को लेकर खरगोन जिले के बड़वाहा विधायक सचिन बिरला ने जनसहयोग की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का बीड़ा उठाया है ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। कोरोना संक्रमण के गंभीर रोगियों के जीवन रक्षा के लिए बड़वाहा और सनावत के सरकारी अस्पतालों में 93 लाख रुपए की लागत से 2 ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट की स्थापना की जाएगी। 250 लाख रुपए विधायक निधि से और शेष 43 लाख रुपए की राशि जनसहयोग से एकत्रित की जाएगी। उक्त जानकारी विधायक सचिन बिरला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। बिरला ने बताया कि कोरोना चिकित्सा के दौरान ये तथ्य लगातार सामने आ रहा है कि यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो तो कोरोना के गंभीर रोगियों की जीवन रक्षा की जा सकती है। उनकी माता जी कुछ समय से कुछ दान करना चाहती थी, उनकी इच्छा थी कि 11 गायें उनके नाम से दान की जाए, किंतु मैंने उनको कहा कि अभी की परिस्थिति में गायों से भी ज़्यादा आवश्यक इंसानी जान है। गौ माता की कोई कमी नहीं है, गौ माँ है, लेकिन आज की तारीख में जो इंसान तड़प रहा है उसको देखकर हमने और हमारे परिवार ने 10 लाख रुपए दान देने का निर्णय लिया। और विधायक जी के सामने जब ये प्रस्तुत किया तो जो 21 लाख रुपए दान देने का उन्होंने 21 लाख रुपए विधायक निधि से जो 2 अस्पतालों को देने का उनका निर्णय था उसको बदल के 50 लाख रुपए उन्होंने करने का काम किया, तो हमारी इस पहल को उन्होंने मंजूर किया, उसके लिए उनका भी आभार है। और सनावत साइड के भी कुछ यंग बच्चों ने ये बीड़ा उठाया था पैसा कलेक्शन का, 2-3 दिन से फेसबुक के माध्यम से हम देख रहे थे, तो उन बच्चों की भी जो पहल थी उससे भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली और ये एक मूर्त रूप ले रहा है, एक प्रण जो मूर्त रूप ले रहा है, ये पीढ़ियों तक आगे आने वाले समय में बड़वा में ऑक्सीजन की कभी कमी से किसी की जान नहीं जाने पाएगी, ऐसा एक प्रयास है। और मैं विधायक जी का भी पर्सनली आभार मानता हूं कि उन्होंने मेरी इस बात को वजन दिया और 1 दिन के भीतर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम में लाए। और आज कल सुबह की ये चर्चा थी और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतनी बड़ी घोषणा और सौगात इस क्षेत्र को दी है। इस कार्य में समाज सेवी और क्षेत्र के उद्योगपति नीलेश रोकड़िया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बड़वाहा और सनावत में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए 5-5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। रोकड़िया ने बताया कि एक प्लांट की स्थापना में लगभग 46,50,000 रुपए का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार 2 प्लांट के लिए 93 लाख रुपए का व्यय होगा। हमारे क्षेत्र में लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण कई हमारे साथी काल के ग्रास में समा गए और हम सब लोगों ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर और जो लोग भी मदद कर सकते हैं उन सबसे एक बैठक बुलाई। उसमें हमने निर्णय लिया है कि 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और बूस्टर पंप सहित हम लोग इन दो की स्थापना एक सनावत के सरकारी अस्पताल में और एक बड़वा सरकारी अस्पताल में करने जा रहे हैं। एक पंप हाउस ऑक्सीजन के जो प्लांट की कीमत है वो 46.5 लाख रुपये है। ऐसे हम लोग 93 लाख रुपये इकट्ठा करने का हमने मन बनाया है, जिसमें 25-25 लाख रुपए दोनों अस्पताल को मैं अपने विधायक निधि से देने जा रहा हूँ। ऐसे 50 लाख रुपए विधायक निधि से जाएंगे और बाकी पैसा नीलेश रुकड़िया जी 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ये 60 हुए। 5 लाख रुपए कृषि व्यापारियों द्वारा नीलेश जी रुकड़िया के सहयोग से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, 65 लाख। और 10 लाख रुपये सामाजिक संगठनों के द्वारा, किसान संघ के भी हमारे साथी हैं वो लोग भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। 20 लाख रुपए हम सनावत बड़वा के समृद्ध लोगों से, प्रतिष्ठित लोग, उसमें सराफे के व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी है, किराना है, मेडिकल वाले हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, कॉटन व्यापारी है, वकील एसोसिएशन है, कॉलोनाइजर हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, लायनेस क्लब और विशेषकर युवाओं के सहयोग से हम लोग बाकी का पैसा इकट्ठा करके 2 प्लांट लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। एक प्लांट की कीमत कितनी और कितने दिन में ये प्लांट खड़े हो जाएंगे? एक प्लांट की कीमत 46.5 लाख रुपए है और 20 दिन के अंदर ये प्लांट हमारे यहाँ स्थापित हो जाएगा, ऐसी हम लोग सब आशा कर रहे हैं। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, कलेक्टर महोदय भी सहयोग कर रही है। इस तरह से दोनों प्लांट आने वाले दिनों में आप 20 दिन के बाद देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे क्षेत्र के साथ साथ हमारे इस जिले के जहाँ पर भी सरकारी अस्पताल है अगर हमारे पास ऑक्सीजन बस्ती है हम निःशुल्क उनको देंगे और प्राइवेट अस्पतालों को भी हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, जिससे
जो गंभीर रोगी हैं वो बच सकें और जनता की सेवा हो सके। ये कार्य कब से शुरू हो रहा है? ये कार्य आज से शुरुआत कर रहे हैं, लेटर जारी कर दिया है, पैसे तो एक दो दिन में मंजूर भी हो जाएंगे और प्लांट वालों से भी बात हो गई है, जल्दी से जल्दी। अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो है ऑक्सीजन की कमी है और कई निजी लोगों के पास और संस्थाओं के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है मगर भराई की व्यवस्था नहीं, इस पर क्या कहेंगे? अभी SDM साहब से बात हुई है, DMO के माध्यम से एक पत्र जारी होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सामाजिक संस्थाएं जो शहर के कई लोगों के पास जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है वो वहाँ से लेटर जारी करवाएं और जिनको जहाँ से भी भरवा के लाना हो लाएं, ऐसी व्यवस्था अभी की है। फिलहाल खरगोन जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिससे जहां शासन प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है वहीं आम जनता में भी कोरोना को लेकर भय नजर आ रहा है। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।